अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम केनार कंस्ट्रक्शन के साथ। हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका मानना है कि मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन कंपनी के लिए ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स दिखाती है। रोबस्ट ओपन टेंडर पाइपलाइन सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है केनार कंस्ट्रक्शन के लिए और कंपनी एसेट मोनिटाइजेशन और हैम प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन पर अब फोकस कर रही है, तो जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 310% शेयर का। गो फैशन भी फोकस में रहेगा, इक्विरस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका मानना है कि वुमेन्स बॉटम वेयर सेगमेंट 12% कैगर तक ग्रो हो सकता है FY25 तक। सुपीरियर और स्केलेबल स्टोर इकोनॉमिक्स के चलते रोबस्ट ग्रोथ आउटलुक भी कंपनी की तरफ से नजर आ रहा है और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का जो एवरेज आरओई 20% और एवरेज आरओसी 25% तक आ सकता है FY25 तक। इसी के चलते हमने देखा कि इक्विरस ने गो फैशन पर कवरेज शुरू की है लॉन्ग रेटिंग के साथ, लक्ष्य दिया है 1493 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे टेक्नो इलेक्ट्रिक पर। नोवामा का मानना है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑल टाइम हाई पर है, सिलेक्टिव अप्रोच कंपनी को पीयर्स के मुकाबले डिफरेंशिएट करता है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडजस्टेड बेसिस पर अर्निंग्स 28% कैगर तक ग्रो हो सकते हैं अगले 3 साल में। और इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नोवामा ने कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर खरीदारी की राय के साथ, लक्ष्य दिया है 450% शेयर का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो आज भी हम देख रहे हैं कि स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स जितने भी हैं उन पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आ रही है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए।